अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको आवाज आ रही है? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पैथोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका फोर्थ लेक्चर मिस हुआ हुआ था। हाँ जी, यस मैम। आप लोगों ने फोर्थ लेक्चर नहीं पढ़ा ना? यस मैम। फोर्थ लेक्चर पढ़ लें या आज ये सिक्स्थ लेक्चर पढ़ लें, क्या करें? मैम 4 पढ़ लें पहले, फिर वो रह जाएगा। कर लेते हैं। सही बात है। चलिए एक सेकंड। ये नहीं पढ़ा था आपने, चिकन पॉक्स वाला लेक्चर? यस मैम, वायरल इन्फेक्शन वाला जो था। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, आप ऑन कैंपस क्लास ले रही हैं? जी मैं ले रही हूँ, ऑन कैंपस क्लास ले रही हूँ। आप लोग वैक्सीनेशन कराइए और आ जाइए। वैक्सीनेशन उसके बगैर नहीं आ सकते अभी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका चेक होगा या कोई भी प्रूफ कि आपने वैक्सीनेशन कराई है, अपने व्हाट्सएप में रखिए। अपना जो है वो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कराइए और आ जाइए, ठीक है? ओके मैम। तो स्किन इन्फेक्शन जो हमने बेटा स्किप किए थे वो हमारे वायरल स्किन इन्फेक्शन थे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स, जिसकी कॉज होती है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स का वायरस, इसको पंजाबी में लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। आप सबने नाम सुना होगा, बच्चों को होता है ज्यादातर 5 to 9 इयर्स की एज में। ये पीक एज इसकी होती है, बड़ों को भी हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को होता है। लेकिन कौन से बड़ों को होगा जिन्हें बचपन में नहीं हुआ, यानी वंस इन अ लाइफ टाइम होगा। इट इज वेरी वेरी रेयर टू हैव अ चिकन पॉक्स इन्फेक्शन सेकेंड टाइम इन अ लाइफ टाइम। जिंदगी में दो बार चिकन पॉक्स होना नामुमकिन है। एक ही दफा होता है तो इम्यूनिटी इम्पार्ट कर देता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बना देता है, तो फिर दोबारा ये नहीं होता। प्रेग्नेंट लेडीज में खास तौर पे खतरनाक होता है, खास तौर पे 16 वीक्स के बाद, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में ये जो नमूनिया कॉज करता है वो सीरियस जो है सीरियस शक्ल अख्तियार कर सकता है, सीरियस स्टेज तक जा सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज में खास तौर पे, तो ये कैसे होगा? डायरेक्ट स्प्रेड, इनडायरेक्ट स्प्रेड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, या एक कमरे में आप 20 मिनट या उससे ज्यादा गुजारे तो यू विल गेट अ हाई चांस दैट यू कैन गेट एन इन्फेक्शन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जो है वो किसी चिकन पॉक्स के पेशेंट या बच्चे के साथ इन कॉन्टेक्ट रहती है, तो आइडली उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि पैसिव इम्यूनिटी, बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन रेडीमेड अवेलेबल है, वो ले लेनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। लेकिन एक बात ये है कि अगर उन्हें बचपन में कंफर्म है कि वो या तो उन्हें वैक्सीनेशन हो चुकी है या फिर उन्हें चिकन पॉक्स हो चुका है बचपन में, तो फिर वो उनको दोबारा नहीं हो सकता, इम्यून है वो, तो फिर उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की जरूरत नहीं है। तो हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है, बहुत जल्दी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक कमरे में 20 मिनट या उससे ज्यादा गुजारने से हाई चांसेस हैं कि यू कैन गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। और एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये इसका जो है वो मोड ऑफ स्प्रेड है। वेरिसेला जोस्टर वायरस इसकी कॉज है। 5 to 9 ईयर्स ऑफ एज पीक एज है, बच्चे ज्यादातर अफेक्ट होते हैं लेकिन बड़े भी हो सकते हैं। हर्पीज वायरस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो हर्पीज वायरस की क्लास से ताल्लुक रखता है, और इससे जो है वो कफिंग स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट सर्फेसिस पे आ जाते हैं वहां से फिर कोई और पेशेंट जो है वो उनको कैच कर सकता है।
इस तरह से ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन, ये छूत की बीमारी है, इन्फेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस इज द कॉज। तो अगर इसकी जो है इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारा EPI प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें आपको पता है सिर्फ 5 ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो और जो है हुपिंग कफ, इस तरह 5 जो डिजीजेज है वो कवर की जाती हैं, उसमें चिकन पॉक्स, MMR, मीजल मम्स रूबेला, ये इसमें कवर की जाती हैं। प्राइवेटली आप अपने तौर पे जो है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन आप लोग करवाते हैं, और नमूनिया की करवाते हैं, इन्फ्लुएंजा की करवाते हैं, मेनिनजाइटिस की करवाते हैं, टाइफाइड की करवाते हैं, वो फिर पीडियाट्रिशियन बेहतर बता सकता है ये कि कौन सी डिजीजेज जो है प्रेवलेंट है ज्यादा, और उनकी वैक्सीनेशन कराना बच्चों में सूटेबल है। एनी हाउ वैक्सीनेशन इज अवेलेबल, लेकिन हमारे EPI प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करती है वो क्योंकि बच्चों को इसमें नहीं करती इंक्लूड, लेकिन अगर कोई करवाना चाहे प्राइवेट तौर पे तो वो करवा सकता है। 1990s में ये वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसके बाद बहुत से लोग करवाते हैं UK में खास तौर पे, तो इसलिए इसके केसेस जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे EPI प्रोग्राम में इसकी वैक्सीनेशन नहीं होती। प्राइवेट अगर कोई करवाता है तो वो करवाता है। एनी हाउ किसी भी इन्फेक्शन की तरह इसमें फीवर होता है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वायरीमिया हो जाता है ना, डिसेमिनेटेड वायरल इन्फेक्शन, लॉस ऑफ एपेटाइट, और इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल इसकी मैनिफेस्टेशन है वो है इसका लीजन, खास तौर पे इसका स्पेसिफिक लीजन बनता है, यानी स्पेसिफिक जो है वो स्किन रैश डिवेलप होता है। वो कैसे कि एक रेडनेस, रेड कलर का स्पॉट स्किन पे बनता है, और उसके ऊपर फिर एक विजिकल बनता है। विजिकल में पहले क्लियर फ्लूइड होता है, आफ्टर 1 to 2 days द क्लियर फ्लूइड बिकम टर्बिड, वो धुंधला फ्लूइड बन जाता है, एक दो दिन में टर्बिड उसको कहते हैं, टर्बिडिटी उसमें आ जाती है, टर्बिड फ्लूइड धुंधला सा फ्लूइड बन जाता है, क्लियर फ्लूइड नहीं रहता। और अगर स्क्रैच करेंगे स्किन के ऊपर, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया विल गेन एक्सेस इनटू द लीजन, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए इनपे एंटीबायोटिक लगाना इन लीजन पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो एज टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। उससे फिर एंटीबायोटिक लगाएंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा तो जल्दी हील होंगे ये लीजन, ठीक है। और इची लियन होता है, बच्चा इसको स्क्रैच करता है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो भी कॉन्टेगुअस है, उससे भी एक फ्लूइड अगर किसी दूसरे पेशेंट की स्किन पे या उसके ओरल कैविटी के साथ इन कॉन्टेक्ट आ जाता है तो उससे भी इंफेक्शन हो सकता है स्प्रेड। सीवियर प्रोराइटिस, बहुत खारिश होती है इस लियन के ऊपर, स्क्रैच करता है पेशेंट, जिसकी वजह से जो है उसके स्क्रैचिंग की वजह से स्किन डैमेज होता है, तो बाद में इसके निशान पड़ जाते हैं। ये जो लियन है ये स्कैल्प के ऊपर स्टार्ट होता है और फिर ट्रंक के ऊपर, फेस, आर्म्स, लेग्स के ऊपर स्प्रेड करता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स का लियन इस तरह से सीवियर प्रोराइटिस वाला स्किन रैश होता है, और ये जो है वो जिंदगी में एक ही दफा होता है, बार बार नहीं होता, क्योंकि एक दफा जब ये होता है तो इन्फेक्शन जो है वो इम्यूनिटी दे देता है पेशेंट को, एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में, IgG की फॉर्म में बन जाती है। प्रेग्नेंट लेडी में अगर ये होता है तो ये ज्यादा खतरनाक है, उसको चाहिए कि स्पेशल अटेंशन दे, और अगर टाइमली प्रेजेंट करती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स नहीं है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा सकती है। इसके अलावा जो लोग शुरू में बुखार में प्रेजेंट करते हैं वो एंटीवायरल भी ले सकते हैं, टेबलेट ए साइक्लोविर, एसिलेक्स टेबलेट 200 mg के नाम से आती है, 4 times a day दी जाती है फॉर 5 to 6 days। QID में दी जाती है, OD का क्या मतलब है, दिन में एक मरतबा, BD का क्या मतलब है, दिन में 2 मरतबा सुबह शाम, TDS का क्या मतलब है, दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम, QID का क्या मतलब है, दिन में 4 मरतबा 6-6 घंटे के बाद, SOS का क्या मतलब है, हस्बे जरूरत, पेन है तो ले लें, फीवर है तो ले लें, नहीं है तो नहीं ले, जरूरत है तो ले लें, जरूरत नहीं है तो नहीं ले लें, SOS। HS का क्या मतलब होता है, एक गोली रात को, ठीक है, HS का मतलब होता है ओनली एट नाइट टाइम। तो अगर पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करता है, सीवियर वायरीमिया है, एंटीवायरल भी दी जा सकती है, लेकिन ये नहीं, इसने जब इसके जो लियंस है उन पे क्रस्ट आ जाना है तो इसकी हीलिंग हो जाती है, उस टाइम एंटीवायरल देने का फायदा नहीं है। शुरू में अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है और एंटीवायरल देते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रूफिन नहीं देते, टॉक्सिक रिएक्शन करता है, इसमें पेनाडॉल यानी एसिटामिनोफीन एज एन एंटीपायरेटिक देते हैं, ब्रूफिन एस्पिरिन इसमें नहीं देते, इट कैन कॉज टॉक्सिक रिएक्शन। तो इस तरह रेड कलर के जो है एरिथेमेटस बेस के ऊपर
वेरी इची लियंस बनते हैं चिकन पॉक्स के, विच आर फर्स्ट कम इन द फॉर्म ऑफ विजिकल्स. विजिकल क्या था? जिसमें क्लियर फ्लूइड था. पस्ट्यूल क्या था? जिसमें पस थी. ठीक है, तो विजिकल बनते हैं छोटे मैक्यूल इन द फॉर्म ऑफ विजिकल बनते हैं. उसमें पहले क्लियर फ्लूइड होता है, जो दिन में फ्लूइड जो है वो टर्बिड हो जाता है, पेशेंट स्क्रैच कर सकता है, इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये पस्ट्यूल बन सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन बना सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, ये क्लियर फ्लूइड कितना ट्रांसल्यूसेंट चमकदार, तो ये इस तरह से नजर आता है. तो ये था हमारा एवरीथिंग अबाउट चिकन पॉक्स. अच्छा, कुछ लोगों में ये जिंदगी में दोबारा शिंगल्स की फॉर्म में अपीयर होता है. शिंगल्स, SHINGLES, शिंगल्स. शिंगल्स क्या है कि ये चिकन पॉक्स से तो पेशेंट ठीक हो गया. अब ये जो वायरस है ये सेंसरी रूट नर्व गैंग्लियन में रहना शुरू कर देता है. और जिंदगी में जब कभी प्रेगनेंसी, ट्यूबरक्लोसिस, इम्यूनोथेरेपी, इम्यून स्टेटस पेशेंट का जो है वो वीक होता है, इम्यूनिटी पेशेंट की कम होती है किसी भी वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, कैंसर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, किसी भी वजह से, पेशेंट की किसी डिजीज की वजह से या डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से इम्यूनिटी पेशेंट की या प्रेगनेंसी की वजह से कम होती है इम्यूनिटी, तो ये सेंसरी रूट गैंग्लियन में पड़ा हुआ होता है, वहां से दोबारा पेशेंट को इन्फेक्ट करता है. लेकिन तब क्या करेगा, ये शिंगल्स बनाएगा, एक डर्माटोम, वो जिस सेंसरी रूट नर्व गैंग्लियन में रह रहा है एक डर्माटोम में सिर्फ लियन आएगा बस, और किसी जगह पे लियन नहीं नजर आएगा. शिंगल्स के नाम से आप सर्च करें और इसको पढ़ें कि शिंगल्स जो है वो कैसा सीक्वल है चिकन पॉक्स का. तो चिकन पॉक्स तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन दोबारा क्या हो सकता है आइंदा कभी जिंदगी में, शिंगल्स. एक डर्माटोम में लियन बनते हैं, एक डर्माटोम में लियन बनता है और बाकी किसी जगह पे नहीं बनता. ठीक है, शिंगल्स. नेक्स्ट इज मोलस्कम कॉन्टेजियोजम. ये एक डीएनए पॉक्स वायरस इज द कॉज ऑफ मोलस्कम कॉन्टेजियोजम. ये शेयर्ड वाटर बाथ्स या ये जो नहर में लोग नहाते हैं या पब्लिक पॉन्ड्स में नहाते हैं, जैसे सोजो वाटर पार्क है, तो इन जगहों से क्या होगा, जो हमारी डर्मेटोलॉजिकली पैरासाइट्स, स्केबीज, वायरसेस, ठीक है, ये चीजें एक दूसरे को ट्रांसमिट होती हैं. तो जब भी ऐसी किसी जगह से होके आए तो आप घर आके बहुत अच्छी तरह सोप से और प्लेंटी ऑफ वाटर से शॉवर लें, और दैट इज वेरी नेसेसरी सो दैट यू मे नॉट गेट एनी कॉन्टेगुअस इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन. तो ये चिल्ड्रन में भी होता है, एडोलेसेंट्स में भी होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, और इसमें डोम शेप मस्जिद का जैसे गुंबद होता है कि नीचे से बेस कम होती है और ऊपर बेस ज्यादा होती है, डोम शेप जो है वो लियंस होते हैं, 5 mm तक हो सकते हैं. ज्यादातर जो है वो हाथों पैरों पे होते हैं, ट्रंक पे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि पूरी बॉडी पे ही होते हैं. वाइट या पिंक कलर के होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट चमकदार होते हैं, फ्लैशी पिंक कलर के होते हैं. ठीक है, तो इस तरह के ये लियंस होते हैं. 2 to 20 डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है कि अलहदा अलहदा, एक दूसरे के साथ मिले हुए भी हो सकते हैं ये, लेकिन मोस्टली ये अलहदा अलहदा होते हैं. डिस्क्रीट कहते हैं अलहदा अलहदा, यानी अलहदा अलहदा आप उन्हें पहचान सकते हैं, ये लियन है, ये लियन है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैट नहीं हुए, अलहदा अलहदा है. 5 mm तक इनका डायमीटर हो सकता है, और ये चमकदार ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, फ्लैश कलर्ड होते हैं, पिंक कलर्ड होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं. इनको हम पेप्यूल कह सकते हैं बिकॉज दे आर लेस देन 1 cm इन डायमीटर, दे आर रेज्ड अबव द स्किन सर्फेस, तो इनको हम पेप्यूल कह सकते हैं, इनको हम पेल्पेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो दे विल बी पेप्यूल्स. मोस्टली ट्रंक पे, फेस पे, एक्सट्रीमिटीज पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माया अभी थोड़ा सा आटा गूंद लें जरा, किसी किस्म की, उन बच्चों में इनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. और इम्यूनोस्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स में तो हर इन्फेक्शन होने का रिस्क है, तो इनका भी ज्यादा होने का चांस है. रेसलर्स में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है, उनमें एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकते हैं. फोमाइट बोर्न हो सकते हैं, एक दूसरे के इस्तेमाल की चीजें इस्तेमाल करने से वायरल डिजीजेस फैलती हैं. पब्लिक वाटर एक्सपोजर, स्कूल्स, ठीक है, नहर या तालाब जिसमें लोग नहाते हैं, यूजली इनकी शक्ल देख के हम इन्हें पहचान लेते हैं. सो डायग्नोसिस इज क्लिनिकल, कोई इन्वेस्टिगेशन कोई ये नहीं चाहिए, ठीक भी खुद से ही हो जाएंगे, लेकिन दूसरे लोगों को ट्रांसमिशन हमने रोकनी है. तो
कोई ट्रीटमेंट इस तरह एज सच एंटीवायरल या कुछ नहीं चाहिए. यूजली इट क्लियर्स ऑन इट्स ओन. ठीक है, प्रोग्नोसिस अच्छा है और जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. जब हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी तो हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करेंगे. और प्रिवेंशन इंक्लूड्स हैंड वॉशिंग एंड नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स. एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल नहीं करें हॉस्टल्स में, घरों में. और हैंड वॉशिंग से, इससे अगर हैंड कहीं पे इससे इन कॉन्टेक्ट आया और हम हैंड वॉशिंग कर लेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये हमें नहीं होगा. तो इसको आइडेंटिफाई ही करना है. बाकी पेशेंट की काउंसलिंग करनी है कि इट विल बी सेल्फ लिमिटिंग, इट विल क्लियर ऑन इट्स ऑन, ये खुद ही ठीक हो जाएगा. इस तरह के ये लियंस नजर आएंगे. ठीक है, इसके अलावा वायरल वार्ट्स, विरूपा वल्गैरिस वायरल वार्ट्स. वायरल वार्ट्स प्रिटी कॉमन है, आप सब ने देखी होंगी कम्युनिटी में लोगों को. ज्यादातर ये हैंड्स एंड फीट पे होती है क्योंकि यही दो चीजें हैं जो इन कॉन्टेक्ट विद अदर पर्सन. इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा लंबा होता है, 2 to 6 months. इंक्यूबेशन पीरियड से क्या मुराद है कि व्हेन यू कम इन टू कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, वायरस और बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन है, आप जब उसके साथ इन कॉन्टेक्ट आए उसके कितनी देर के बाद आपको डिजीज हुई. तो ये 2 माह से लेके 6 माह तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है कि आप पेशेंट से आज इन कॉन्टेक्ट आए और 2 माह बाद आपको रैश लियन बना, 6 माह बाद आपको लियन बना. तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना प्रोलॉन्ग होता है. ये बिनाइन है, यानी कैंसर कैंसरस नहीं है, क्योंकि एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है, बड़े सारे कैंसर करता है, लेकिन ये उसके बिनाइन लियन है. इसकी जो 6 and 11 टाइप्स है, एचपीवी की बहुत सारी टाइप्स है, 6, 11, 13, 33, 35, बड़ी सारी इसकी स्ट्रेन है. तो इसकी जो 6 और 11 सब टाइप्स है वो मोस्टली ये वायरल वार्ड्स बनाती है. विरूपा वल्गैरिस भी कहते हैं, कॉमन वार्ड्स भी कहते हैं, वायरल वार्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, रफ, बहुत रफ अपीयरेंस होती है, खुरदरी, बहुत सख्त किस्म की, बहुत सख्त किस्म की स्किन जो है वो होती है. और ये स्किन कलर के ही होते हैं, ना रेड होते हैं, जो स्किन का कलर होता है वही इनका कलर होता है. ठीक है, राउंड इनकी टॉप होती है, रफ होती है इनकी अपीयरेंस, बहुत खुरदरी अपीयरेंस होती है. हाईली कॉन्टेगुअस है, ज्यादातर हैंड्स और फीट को इन्वॉल्व करते हैं. अगर स्किन में किसी किस्म का कोई ब्रेक है, कोई चोट लगी हुई है, कोई ऑलरेडी कोई रैश है, तो फिर इसके होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ब्रोकन स्किन ज्यादा जो है वो इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल होती है. इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 6 months है. और रेज्ड रफंड किस्म के ये लियंस होती है, मोस्ट कॉमनली ये हैंड्स पे होती है. अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन जिसके पाओं पे है उसका जूता पहनेंगे तो भी आपको ये हो सकती है. फिर जो है वो वैक्सीनेशन कहाँ से आ गई, वैक्सीनेशन यहाँ से आई कि सीए सर्विक्स सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है, सर्विक्स का जो कार्सिनोमा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक एसटीडी है, वो एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो एचपीवी वायरस का उसमें बड़ा रोल है. और एचपीवी वायरस तब आता है जब सेक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो अगर उससे पहले फीमेल को वैक्सीनेशन लगा दी जाए एचपीवी के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि एचपीवी सर्वाइकल कार्सिनोमा नहीं कर सकेगा. तो इस चीज को लेते हुए राउंड द वर्ल्ड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, जो कि 6, 11, 16, 18 जो कि कॉमन टाइप्स हैं जो कि एचपीवी करती हैं, जो है एचपीवी इन्फेक्शन और फर्दर सर्वाइकल कार्सिनोमा करती हैं, उनके खिलाफ वैक्सीनेशन है. उनका नाम है गार्डासिल और सर्वारिक्स. तो ये जो है फीमेल्स को की जाती है, तो ये जिस मकसद के लिए भी की जाती है, लेकिन ये वायरल वार्ड्स के अगेंस्ट भी प्रिवेंशन करती है. ठीक है, तो इसके अलावा ट्रीटमेंट में इसके ये है कि लोकल डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यू फिल्म, उसमें केमिकल होता है, वो आपने सिर्फ अपने जैसे एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन सिर्फ आपने इन्फेक्टेड स्किन के ऊपर लगाना है, नॉर्मल स्किन पे नहीं लगाना. नॉर्मल स्किन को तो हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना, तो वो उसको बर्न कर देता है. इसके अलावा इसको हम कॉटरी कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको जो है वो फ्रीजिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, नाइट्रोजन गैस वो लगा के इनको लोकली, लोकल डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स के जरिए, लोकल डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स के जरिए इनको ट्रीट किया जाता है. फिर वो लोकली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, तो फिर वो नई स्किन उससे हीलिंग हो जाती है. तो इस तरह करके मल्टीपल टाइम्स जो है वो अप्लाई करना, कुछ हफ्तों में इसका ट्रीटमेंट जो है वो कम्प्लीट होता है, वायरल वार्ड्स विरूपा वल्गैरिस. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मीजल्स खसरा. मीजल्स खसरा वायरस कौन सा है, रूबियोला, रूबेला और है, और रूबियोला और है. रूबेला की वैक्सीनेशन पाकिस्तान में सब बच्चों को होती है, एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला. तो मीजल्स, मम्स और रूबेला की इकट्ठी वैक्सीनेशन इन द फॉर्म ऑफ एमएमआर 9 months में होती है, और उसकी एक आध डोजेस इसके आगे पीछे होती है.
एनीहाउ एमएमआर वैक्सीन है जो कि मीजल्स मम्स यानी मम्स कनपेड़े जिसमें पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है और मेल इनफर्टिलिटी के साथ वो एसोसिएटेड है. तो कितनी खतरनाक बात है. मीजल्स खसरा सीवियर निमोनिया कर सकता है, सीवियर एनकेफेलाइटिस मेनिनजाइटिस कर सकता है. तो जो है वो इसके खिलाफ जो है बच्चों को ईपीआई प्रोग्राम में वैक्सीनेट किया जाता है, मीजल्स मम्स रूबेला. खैर अगर किसी की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसको फिर वायरल इन्फेक्शन होगा, बिल्कुल वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्किन कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फोमाइट, उसी तरह के सारे जो है चीजों से ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को वही मोड ऑफ स्प्रेड है जो पीछे हमने चिकन पॉक्स के लिए पढ़ा. और ये बहुत घंटों तक सर्फेसिस पे अलाइव पड़ा रहता है यहाँ तक कि दूसरा बच्चा इसको कैच कर ले. ठीक है, कर सकता है. और इन्फेक्टेड पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में होते हैं और वो सर्फेसिस पे सेटल डाउन हो जाते हैं और प्रॉक्सिमिटी में जो कोई इन्फेक्टेड जो कोई पेशेंट है बच्चा है वो इन्फेक्ट हो सकता है. ड्रिंकिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन ग्लास. तो इसीलिए हमारे मजहब में भी मना किया जाता है कि आप किसी को अपना झूठा खाना या पानी नहीं पिलाएं. अगर उसे मालूम नहीं है तो आप उसे बता दें कि मैंने इसमें से खाया है, फिर उसकी मर्जी वो ले या नहीं ले. तो इस चीज को पसंद नहीं किया गया बिकॉज इट कैन बी अ कॉज ऑफ ट्रांसमिटिंग. एक दूसरे का टॉवल इस्तेमाल करना, एक दूसरे का जूता इस्तेमाल करना खासतौर पर बगैर इजाजत के, ठीक है, तो इट्स वेरी बैड क्योंकि ये बीमारियां फैलने का बायस बनती है ये चीज. तो इसका जो है रैश वो टॉप ऑफ द हेड से शुरू होगा और फिर फेस पे और फिर ट्रंक पे और एक्सट्रीमिटीज पे पूरा इस तरह से नीचे आएगा. ठीक है, 9 to 11 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. यानी आज आप इन कॉन्टेक्ट विद मीजल्स पेशेंट आए हैं तो 9 to 11 days के अंदर अंदर अगर आपको खसरा होना है तो हो जाएगा. पर्सन टू पर्सन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के साथ ये जो है वो ट्रांसमिट होता है. इसमें फिर क्या साइन एंड सिम्टम्स है, फीवर, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, कफ, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है तो कफ इज अ रिस्पॉन्स टू द इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. पुराइजा का क्या मतलब होता है, आप याद करें कि जब कभी आपको फीवर होता है तो आपका चेहरा रेड हो जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों में से पानी निकलता है, नाक में से पानी निकलता है, इस कंडीशन को कहते हैं पुराइजा. कंजक्टिवाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, रेडनेस ऑफ द आईज, फोटोफोबिया, आंखों से लाइट बर्दाश्त नहीं होती, इरिटेबिलिटी टू ब्राइट लाइट्स. तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स, फीवर, कफ, पुराइजा, कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया. कॉप्लिक स्पॉट्स क्या चीज है, ग्रेइश व्हाइट छोटे छोटे 1 to 2 mm के स्पॉट्स है जो कि मॉलर टूथ के ऑपोजिट जो हमारी ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हमारे ओरल कैविटी के अंदर हमारे जो मॉलर टूथ होते हैं उनके ऑपोजिट जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ओरल कैविटी की, उस पे ग्रेइश व्हाइट स्पॉट्स जो है वो फीवर के 1-2 days के बाद निकलते हैं और 1-2 days तक रहते हैं फिर चले जाते हैं. बाकी किसी और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं. कॉप्लिक स्पॉट्स ग्रे व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑपोजिट टू द मोलर टीथ ये आते हैं 1 to 3 days आफ्टर द इनिशियल सिम्टम्स एंड दे लास्ट फॉर 1 to 2 days एंड मे फॉर्म ऑन अदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स एज वेल. रैश जो है मीजल्स का सबसे पहले स्टार्ट होता है हेड पे, फिर ट्रंक पे, फिर एक्सट्रीमिटीज पे ऐसे टॉप से इस तरह नीचे आता है, 3 to 5 days तक रहता है और उसके बाद सिम्टम्स बिगिन टू फेड और उसके बाद ये हीलिंग हो जाती है. अगर अब आप सबके जहन में होगा कि कोरोना वायरस इज अ वायरल डिजीज तो उसमें एंटीबायोटिक क्यों लगाते हैं, तो बात यह है कि वायरस जब आता है ना तो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, वायरस ने आके उस चीज को डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया, तो बैक्टीरिया जो है उनको मौका मिल जाता है कि वो भी अब आके अपना काम कर ले. तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाता है जिसको ट्रीट करने के लिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दी जाती है. ओटाइटिस मीडिया कर सकता है इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्टेशन ट्यूब के जरिए मिडल ईयर से कनेक्शन है, वहां जा सकता है ओटाइटिस मीडिया. साइनोसाइटिस, सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साइनसिस ओपन हो रहे हैं, साइनोसाइटिस. निमोनिया, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. निमोनिया क्या है, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ लंग टिश्यू. एनकेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू कैन बी सीवियर एज वेल. तो मीजल्स में जो डेथ्स होती हैं वो सीवियर निमोनिया या एनकेफेलाइटिस की वजह से होती हैं. एक्यूट एब्डोमिनल पेन एंड अपेंडिसाइटिस की भी ये कॉज बन सकता है. प्रिवेंशन कैसे करनी है, एमएमआर मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन सबको लगती है ईपीआई प्रोग्राम में, अगर बदकिस्मती से किसी को नहीं लगी तो उसको फिर ये होगा और उससे लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होती है. इस तरह करके मीजल्स का रैश हमें नजर आता है. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन. तो फंगल इन्फेक्शन में वी आर गोइंग टू स्टडी एथलीट फुट की जो है टीनिया फीडस. टीनिया का मतलब
फंगस का नाम है और फीटस का मतलब है पाओ पे होने वाली, पीनिया फीटस, क्योंकि ज्यादातर ये पाओ को इन्वॉल्व करती है। एथलीट फुट उसे क्यों कहते हैं, एथलीट जो है वो स्पेशल टाइप के, और लोगों में भी हो सकती है लेकिन एथलीट में ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज दे वेयर स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ वो पहनते हैं शूज जो कि प्लास्टिक लाइंड होते हैं जिनमें कि नमी रहती है, फिर वो फीट जो है वो उनमें पसीना ज्यादा आता है, वो ड्राई नहीं होते, तो इसलिए ऐसी डैम और गीली जो सदा होती है ह्यूमन बॉडी में वो फंगल इन्फेक्शन के लिए बड़ी आइडियल होती है, वहां फंगस बड़ी जल्दी और बड़ा अच्छा ग्रो करती है, ठीक है, और स्किन फोल्ड्स जो होते हैं खासतौर पर वहां पे, तो ये हाईली कॉन्टेगुअस फंगल इन्फेक्शन है। एक पेशेंट का, इन्फेक्टेड पेशेंट का जूता आप पहने आपको हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो, और अगर आपको डायबिटीज है तो, इम्यून सिस्टम वीक है तो, डायबिटीज है तो, अदरवाइज भी हो सकता है लेकिन डायबिटीज और इम्यून सिस्टम वीक है तो फिर ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इट कैन स्प्रेड टू टो नेल्स एंड हैंड्स, वहां भी स्प्रेड कर सकती है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है। और इसमें जो ये फिंगर की वेब स्पेसेस होती हैं ये ज्यादा अफेक्टेड होती हैं क्योंकि ये डीप जगह होती है ना, तो यहाँ पे डीप सीटेड फिर फंगस जो है वो अपना घर बना लेती है, फंगस इन्फेक्ट कर लेती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो आमतौर पे ये इतनी सीरियस डिजीज नहीं है लेकिन अनॉइंग है, खारिश बहुत होती है और इसको ट्रीट करना कई दफा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए जनरल जो हाइजीन है फुट की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इच्ची किस्म के लियन बनते हैं, ब्लिस्टर्स, क्रैक्स और फट कट कट फट जाती है वहां से स्किन ना, ओपन सोर्स एंड क्रैक्स और ब्लिस्टर्स बनते हैं, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, और जो फिंगर की वेब स्पेसेस होती हैं उनके दरमियान में बहुत ज्यादा स्किन खराब हो जाती है। इसके अलावा हील्स भी अफेक्ट होती हैं। तो प्रॉपर फुट हाइजीन ट्रीटमेंट के साथ एंटी फंगल कीटोकोनाजोल के साथ साथ इसके कैप्सूल भी आते हैं और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर फूड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कि रोजाना एक दो मरतबा सोप और वाटर से अच्छी तरह पाओ को धोएं और फिर उसे अच्छी तरह ड्राई करें कॉटन के टॉवल से, और खास तौर पे बिटवीन द टोज ज्यादा अच्छी तरह ड्राई करें, कोई पानी वगैरह वहां पे ना रह जाए ताकि फंगस ग्रो ना कर सके, और उसको फिर कॉटन टॉवल के साथ जो है वो अच्छी तरह उसको ड्राई करें। अवॉइड टाइट क्लोज्ड प्लास्टिक लाइंड शूज, तो शूज जो है वो मेडिकेटेड पहने और ओपन पहने, बंद जूते ना पहने और जॉगर्स वगैरह ना पहने जिसमें कि शूज, जिसमें कि फीट जो है वो प्रॉपरली ड्राई ना रह सके और पसीना ज्यादा आए, ऐसे शूज नहीं पहने, ठीक है, खुले जूते पहने, पाँव की सफाई का बहुत, देखें सफाई निस्फ ईमान है, आधे से ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो तो सफाई से ही, एक बंदा जो रोजाना आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा अच्छी तरह नहाता है उसको क्या स्किन इन्फेक्शन होने, ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रॉपर फूड हाइजीन के साथ साथ एंटी फंगल क्रीम लाइक कीटोकोनाजोल और सीवियर केसेस में ओरल कैप्सूल की फॉर्म में भी ये जोलानिक्स कैप्सूल के फॉर्म में मिलता है, और जो है वो बहुत सारे जो है नामों से ही आता है, कीटोकोनाजोल उसमें होती है एंटी फंगल, तो इस तरह का ये एथलीट नजर आता है। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन कैंडिडाइसिस बहुत मशहूर और मारूफ, हर एक की स्किन पे होता है लेकिन इन्फेक्ट नहीं करता, इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जब बंदा हो जाता है उसको इन्फेक्ट करता है, वेजिनाइटिस करता है, स्किन इन्फेक्शन करता है, और बहुत सारी क्लासेस है, कैंडिडा एल्बिकेंस है, कैंडिडा ग्लैबरेटा है, बहुत तरह तरह की इसके जो है ना वो सब क्लासेस हैं कैंडिडाइसिस की जो है, और ये भी सीवियर इचिंग करता है। फंगल इन्फेक्शन में आपने याद रखना खारिश होती है, तो खारिश अगर किसी स्किन लियन पे है तो वो फिर फंगल इन्फेक्शन के बारे में जरूर सोचे कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब पेशेंट हैवी एंटीबायोटिक्स लेता है, किसी भी रीजन से हैवी एंटीबायोटिक्स लेता है, तो जो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे लिए फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, अब बैक्टीरिया कैसे फायदेमंद हो सकते हैं कि देखिए हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टीन में, कॉलन में अटैचमेंट साइट्स होती है बैक्टीरिया के लिए, तो वो अगर नॉन नुकसानदेह ऐसे बैक्टीरिया जो हमें बीमारी नहीं कॉज कर सकते, उन्होंने वो अटैचमेंट साइट ली नहीं है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करता है वो कहाँ पे लगेगा, वो नहीं लग सकेगा, ठीक है, तो वो अटैचमेंट साइट उन्होंने कैप्चर की होती है हेल्दी बैक्टीरिया, इसलिए हम उन्हें कहते हैं हेल्दी बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए फायदेमंद बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक खाई है किसी भी रीजन से, जाहिर है जरूरत है तो खाई है, अनड्यू तो नहीं खाता कोई, एनी हाउ जब एंटीबायोटिक खाई है तो वो बैक्टीरिया जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो कमेंस सेल्स हैं वो अपनी अटैचमेंट साइट से मरमरा गए उतर गए, तो अब वो अटैचमेंट साइट जो है वो खाली हो गई, अब
जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वहां पे आके लग सकते हैं, पैथोजेनेसिस कर सकते हैं। और जब बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक हम खाते हैं तो कमेंसल्स जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो फंगस ओवरग्रो कर जाती है। फंगस जिसको बैक्टीरिया ने अपनी औकात में रखा होता है उसकी ग्रोथ को सप्रेस किया होता है। अब बैक्टीरिया मर गए तो फंगस अब ग्रो करेगी और फंगल इन्फेक्शन करेगी। तो जब भी हैवी एंटीबायोटिक लेते हैं उसके साथ फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो साथ में फिर उनको भी ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैंडिडाइसिस वेजाइनल हो या स्किन पे हो, फ्लूकोनाजोल और वेजाइनल क्रीम्स जिसमें कनेस्टिन क्रीम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके जरिए से आप इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द वायरल एंड फंगल स्किन इन्फेक्शंस। हां जी, वैक्सीन लगवाई थी? हाँ, आप लोगों ने लगवाई थी? ठीक है, बैठे। ठीक है, तो लेक्चर तो खत्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन? फासले फासले में बैठे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लासेस का ही पूछना थोड़ा सा। फर्स्ट डोज के बाद आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीनेशन लगाई हुई है तो वो आ गए क्लास में भी इनमें वैक्सीनेशन चेक कर। आफ्टर वन डोज? हां जी, फर्स्ट डोज के बाद भी आ सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक और गलत बात ये है कि मैंने आपका इतना आसान सा और मासूम सा क्विज लिया और आपने टाइम पे सबमिट ही नहीं कराया। आप लेट सबमिशन तो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। ठीक है ना, जिन्होंने टाइम पे कराया उनका एक्सेप्ट होगा, जिन्होंने टाइम पे नहीं कराया उनका एक्सेप्ट नहीं होगा। दे हैव टू गिव इट अगेन। इंसाफ की बात है ना, वो बच्चा जिसने 20 मिनट में वो दे दिया, वो बच्चा जो चार दिन बाद कह रहा है ये मेरा पेपर ले ले मैं तो अस्पताल में था, तो ये तो कोई बात नहीं ना। आप मेरे पास ईमेल्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो देखो ना, गलत बात है ना। पिक्चर हाँ ठीक है, वो जो है जो जिस बंदे ने भी टाइम पे सबमिशन कराई है उसको ग्रेड किया जाएगा और जिसने टाइम पे सबमिशन नहीं कराई उसको ग्रेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आज तक मुझे मिल रहे हैं क्विज पैथोलॉजी, क्विज पैथोलॉजी, ये देखो पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी क्विज, ये देखे किसी ने आज। चलो इस बच्चे, ये तो स्कर्दू में होता है ना, ये तो बेचारे इसकी तो मसाइल ही और हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। 19 hours ago क्विज वॉज इन आउट बॉक्स, फंस गया था, नहीं गया, सॉरी फॉर दैट, चला गया है, पकड़ ली है बात करने का। एक बंदा आपको फैसिलिटेट करता है, आप उसको जो है फॉर ग्रांटेड ना लें, ऐसे ही है ना, यू तो नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जिनकी टाइम पे सबमिशन है वो ग्रेड होंगे, जिनकी नहीं है इसी हफ्ते में आपके मार्क्स लग जाएंगे। जिनकी टाइम पे सबमिशन नहीं है दे विल हैव टू गिव इट अगेन। ठीक है, ताकि वो आइंदा इस तरह ना करें। अच्छा जी, और कोई सवाल? एक दो हफ्ते में आपका उस पे क्विज दे देते हैं LMS के ऊपर। बेटा बोले। मैम मेरा बिल्कुल वाईफाई चला गया था, तो इसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं है, तो इसमें भी मेरे मार्क्स कटेंगे? जो भी इशू हुआ था बेटा, वट एवर, आपको LMS पे दोबारा देना पड़ेगा, वरना अब तो आपके आपको कैंपस में भी आने की इजाजत है, आप आएं और मुझसे बात करें। ठीक है, लेट सबमिशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, एक दफा आपको बता दिए। अब कोई मैम लेक्चर 5 की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें। क्या करें मैम? लेक्चर 5 की रिकॉर्डिंग भी भेज दें। अच्छा, जरूर जरूर, इंशाल्लाह सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आज मैंने आपको 6 की भेजी है सब बच्चों को, आज मैंने आपको लेक्चर 6 की रिकॉर्डिंग भेजी है सबको। आपको जो भी रिकॉर्डिंग आती है उसको फॉरन डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद रिमूव हो जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको सब मिल जाएंगी, आज ही मिल जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, किसी वक्त में भूल जाती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।